तो आज का जो एजेंडा है वो सेगमेंटेशन का है। जैसा कि कल हम लोगों ने देखा था कि हम लोग जब पेजिंग का इस्तेमाल कर रहे थे तो वहां पे हमको इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम दिखी। क्यों? क्योंकि तो पेजेस की जो साइज थी वो सेम थी। ठीक है, तो हम लोग इस चीज को देख रहे हैं। इंटरनल फ्रैगमेंटेशन इश्यूज, इंटरनल फ्रैगमेंटेशन इश्यूज क्यों? बिकॉज ऑफ फिक्स्ड साइज ऑफ पेजेस। तो पेजेस का फिक्स साइज हमको मिल रहा था, इस वजह से हमको इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम दिखी। कहा यह गया कि अगर हम लोग साइज को वेरिएबल कर लें, ठीक है, तो वेरिएबल साइजेस की बात होने लगी। वेरिएबल साइजेस क्यों? टू अवॉइड अवॉइड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को अवॉइड करने के लिए वेरिएबल साइजेस की बात होने लगी। और तब जो है सीन में आया सेगमेंटेशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेगमेंटेशन कैसा होगा। देखिए, एक लॉजिकल एड्रेस स्पेस जिसमें सब रूटीन्स है, स्टैक है, सिंबल टेबल है, मेन प्रोग्राम है और एक मेथड है स्क्वायर रूट। ठीक है, और यहाँ सबके लिए जो साइजेस की रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग। तो लिख दें हम मेमोरी रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट्स आर वेरिएबल। तो मेमोरी रिक्वायरमेंट क्या है? तो मेमोरी रिक्वायरमेंट है वेरिएबल। ठीक है, तो अब देखते हैं। देखिए, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा। कब नहीं होगा? अगर इस स्टैक को हम उतनी ही मेमोरी दे जितने की रिक्वायरमेंट, मींस एलोकेट मेमोरी बिग एनफ टू एकोमोडेट स्टैक। इसको एकोमोडेट करने के लिए जितने मेमोरी की जरूरत है, अगर इतनी मेमोरी हम लोगों ने दे दी तो हम लोग इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग अवॉइड करते हैं। एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सेगमेंटेशन। तो जब भी हम लोग सेगमेंटेशन की बात करेंगे तो लाइक पेजिंग मैपिंग इज रिक्वायर्ड। ठीक है, और ये मैपिंग कैसी होगी? ये मैपिंग कैसी होगी? रहने दीजिए, कोई था नहीं, तो ये जो बैठ रहे मैपिंग हैं होगी, यार और जा रहे हैं। ये जो मैपिंग होगी वो मैपिंग किस लिए यूज होगी? तो ये जो मैपिंग होगी ये मैप कराएगी लॉजिकल एड्रेस को, लॉजिकल एड्रेस को किसमें? तो फिजिकल एड्रेस। ठीक है, हम लोगों ने देखा था एमएमयू। तो एमएमयू का रोल क्या था? एमएमयू का रोल था मैपिंग को परफॉर्म करना। ठीक है, तो चलिए अब जो है आगे चलते हैं। बस डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस ये है कि जब हम लोग पेजिंग के कॉन्टेक्स्ट में फ्रेम्स की बात कर रहे थे तो
तो हर फ्रेम की साइज सेम थी, बट सेगमेंट की जब बात करेंगे तो हर सेगमेंट की साइज अलग अलग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फंडामेंटल डिफरेंस लिख रहा हूं, फंडामेंटल डिफरेंस क्या है इन पेजिंग फ्रेम साइज वाज फिक्स्ड। ठीक है, और अब हम लोग बात करेंगे किसकी, सेगमेंट की। तो इन सेगमेंटेशन सेगमेंट साइज इज ऑफ वेरिएबल लेंथ, दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब सीन क्या होगा, ये देखिए, ये यूजर स्पेस मतलब लॉजिकल एड्रेस स्पेस की बात हो रही है, और उसकी मैपिंग फिजिकल एड्रेसेस पे कैसे हो रही है ये चीज यहाँ दिखाया गया। देखिए, सेगमेंट वन इज मैप टू हियर, टू इज मैप टू हियर, फोर इज मैप टू हियर एंड थ्री इज मैप टू हियर। सबकी साइज अलग अलग, साइज चेंजेस। ठीक है, अगर यही पेजिंग होता तो सबकी साइज क्या होती, फिक्स। ठीक है, और ये जो मैपिंग हो रही है यहां पे, तो ये देखिए, दिस इज मैपिंग, इट इज मैपिंग, दिस इज मैपिंग, मैपिंग फ्रॉम यूजर स्पेस टू मेमोरी स्पेस। ठीक है, तो अब हम लोग आगे आते हैं। यहां अगले स्लाइड पे अब देखिए, तो जब हम लोग सेगमेंटेशन की बात करेंगे तो अब अपने पास जो लॉजिकल एड्रेस होगा वो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, देखिए, जब हम लोग पेजिंग की बात कर रहे थे तो पेज नंबर था और पेज ऑफसेट था। ठीक है, पेज नंबर था और पेज ऑफसेट था। अब जब हम लोग सेगमेंट की बात करेंगे तो पेज नंबर रिप्लेस हो जाएगा किससे, सेगमेंट नंबर से, ऑफसेट सेम है। तो ये देखिए, ये सेगमेंट नंबर किसकी जगह पे आया, पेज नंबर की जगह पे आया, पेज नंबर की जगह पे क्या आ जाएगा, सेगमेंट नंबर आ जाएगा, ऑफसेट सेम रहेगा। ये जो ऑफसेट है ये सेम, सेम एज इन केस ऑफ पेजिंग, सेम एज इन केस ऑफ पेजिंग। ठीक है, अब हम लोग पेज टेबल बना रहे थे, तो जैसा हम लोगों ने पेज टेबल बनाया था, अभी अपने पास सेगमेंट टेबल होगा। तो सेगमेंट टेबल, देखिए ये सेगमेंट टेबल है, सेगमेंट टेबल किसकी जगह पे आ जाएगा, पेज टेबल की जगह पे। ठीक है, और मेमोरी फेंसिंग टेक्निक एज यूजुअल, बेस और लिमिट का कंसेप्ट, जैसे वहां पे पेज टेबल बेस रजिस्टर था उसी तरीके से यहां पे सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर होगा, सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर होगा। और जैसे वहां पे पेज टेबल लेंथ रजिस्टर था उसी तरीके से यहां पे सेगमेंट टेबल लेंथ रजिस्टर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए,
ये जो सेगमेंट टेबल की बात, सेगमेंट टेबल रजिस्टर, ये किसकी जगह पे आ रहा है? तो ये चीज आ रही है पेज टेबल बेस रजिस्टर की। और सेगमेंट टेबल लेंथ रजिस्टर, तो पेज टेबल लेंथ रजिस्टर की जगह। तो देखिए ये देगा बेस, ये देगा लिमिट। किसका बेस और किसका लिमिट? सेगमेंट टेबल का बेस, सेगमेंट टेबल का लिमिट। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ी देर में आगे चलते हैं। तो सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर किसकी जगह पे आ रहा है? पेज टेबल बेस रजिस्टर की जगह पे आ रहा है। और सेगमेंट टेबल लेंथ रजिस्टर आ रहा है किसकी जगह पे? तो पेज टेबल लेंथ रजिस्टर की जगह पे आ रहा है। ठीक है, बेस और लिमिट, बेस एड्रेस पता होना चाहिए किसका? सेगमेंट टेबल का, और उसकी लिमिट पता होनी चाहिए। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, तो जैसे हम लोग सेगमेंट की बात कर रहे थे, पेज की बात कर रहे थे, तो वहां पे पेज टेबल जो है वो 2 के पावर में आ रहा है, बट यहां पे जो है हम लोग जब सेगमेंट की बात करेंगे तो सेगमेंट जो है वो वेरिएबल साइज का होगा। ठीक है, अभी आगे वाले डायग्राम में ये चीज और क्लियर हो रही है। यहां जो मैंने अभी आपको बताया है वो एक कंपैरेटिव वे में बताया कि पेज टेबल की जगह पे सेगमेंट टेबल आ गया, बेस और लिमिट मेमोरी फेंसिंग टेक्निक के वजह से यूज हो रहा है, सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर, पेज टेबल बेस रजिस्टर की जगह पे काम वही होगा जो वहां पे था, सेगमेंट टेबल लेंथ रजिस्टर यहां पे। अब देखिए यहां पे वैलिड और इनवैलिड बिट का कॉन्सेप्ट है, और हम लोग यहाँ पे प्रिविलेजेस देंगे। कुछ सेगमेंट ऐसे होंगे जिनको हम लोग रीड कर सकते हैं, कुछ को राइट कर सकते हैं, कुछ को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा ये जो प्रिविलेजेस आप लोगों को दिख रहा है ना, दिस इज ओनली बिकॉज टू मेंटेन
सिक्योरिटी, क्योंकि अलग अलग सेगमेंट होंगे, कुछ ऐसे सेगमेंट होंगे जिनसे हमें केवल जिनको हमें केवल रीड करना होगा, कुछ ऐसे सेगमेंट होंगे जहां पे हमें राइट करना होगा, और कुछ ऐसे सेगमेंट होंगे जिनको हमको एग्जीक्यूट करना होगा। ठीक है। अच्छा, जैसा मैंने पीछे कहा था कि जो पेज टेबल की बात थी, पेज टेबल फिक्स थे, 2 के पावर में आ रहे थे, बट यहाँ पे जो सेगमेंट्स हैं, ये लाइन जरा देखिए, ये लाइन, ये सेगमेंट्स वेरी इन लेंथ। तो ठीक अपोजिट जो है, जब हम लोग फ्रेम की बात कर रहे थे तो फ्रेम क्या था, फ्रेम साइज में फिक्स, ठीक है, बट सेगमेंट्स अलग अलग है। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट कि बिकॉज ऑफ दिस फीचर ऑफ द सेगमेंट, वी आर एबल टू अवॉइड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इश्यूज। ठीक है, अभी आगे डायग्राम जो आएगा वो और बेहतर तरीके से चीजों को बताएगा। देखिए, हम लोगों के पास ये देखिए, यहाँ पे सेगमेंट टेबल है, तो सेगमेंट टेबल, इसके पहले हमारे पास पेज टेबल, ये अपना लॉजिकल एड्रेस, दिस इज द लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, और ये जो लॉजिकल एड्रेस है जिसमें 2 टपल है, कौन कौन से, सेगमेंट और ऑफसेट। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या है, तो इसमें है सेगमेंट है और ऑफसेट है, सेगमेंट और क्या है, ऑफसेट, दिस इज सेगमेंट एंड ऑफसेट। अब सीपीयू ने ये लॉजिकल एड्रेस जनरेट कराया, दिस इज द लॉजिकल एड्रेस। अब हम लोग क्या करेंगे, सेगमेंट टेबल में जाएंगे और इस सेगमेंट टेबल में हम लोग इस पर्टिकुलर सेगमेंट नंबर पे जाएंगे, पर्टिकुलर सेगमेंट नंबर, यस। अब देखिए यहां पे सेगमेंट टेबल में 2 बातें हैं, लिमिट है और बेस, लिमिट और बेस। तो देखिए ये जो ऑफसेट है डी और ये जो लिमिट, तो ये डी और ये लिमिट साइज बता रहे हैं, डी और ये लिमिट दोनों साइज बता रहे हैं, डी एंड लिमिट टेल्स about the size of segments। ठीक है, मेमोरी प्रोटेक्शन के लिए यहां पे हम लोग कंपेरिजन करते हैं। अगर लॉजिकल एड्रेस में जो ऑफसेट डी है उसकी वैल्यू लिमिट से क्या हुई, बड़ी हुई, तो एरर होगा, और अगर छोटी हुई या बराबर हुई तो हम लोग करेंगे क्या, इस ऑफसेट को इस बेस में ऐड कर देंगे और हम लोग पहुंच जाएंगे कहां पे, फिजिकल मेमोरी। ठीक है, यहां कौन सी टेक्निक यूज हो रही है, तो यहां मेमोरी फेंसिंग टेक्निक यूज, मेमोरी फेंसिंग टेक्निक यूज हो रही है। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है ये किस लिए है, तो ये है प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, और ये चीज क्या हो रही है, दिस इज मैपिंग फ्रॉम लॉजिकल
टू फिजिकल, फ्रॉम लॉजिकल टू फिजिकल, ठीक है। आगे आते हैं। अब यहां पे एक न्यूमेरिकल एग्जांपल है और ये सारी चीजों को बेहतर तरीके से क्लियर करेगा। देखिए, अपने पास जो एक यूजर प्रोसेस है, तो पेजिंग में हम लोग प्रोसेस को पेजेस के फॉर्म में देते हैं। इन पेजिंग प्रोसेस वॉज व्यूड एज कलेक्शन ऑफ पेजेस, ठीक है। मजेदार चीज, इन सेगमेंटेशन process is viewed as collection of segments, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, सेगमेंट जीरो मेमोरी में कहां से स्टार्ट हो रहा है? तो सेगमेंट जीरो स्टार्ट हो रहा है 1000 से, सेगमेंट जीरो सॉरी स्टार्ट हो रहा है। बेस कितना है? 1400। देखिए 1400 से स्टार्ट हो रहा है और कहां खत्म हो रहा है? तो 2400 पे खत्म हो रहा है। कौन? तो सेगमेंट जीरो, सेगमेंट जीरो का बेस एड्रेस क्या है? 1400। लिमिट कितनी है? 1000। यानी बेस एड्रेस 1400 से शुरू होगा और नेक्स्ट 1000 एड्रेसेस तक जाएगा, डेट इज 2400। और इस दोनों एड्रेसेस के बीच में कौन बैठा होगा? तो सेगमेंट जीरो, यानी फॉर सेगमेंट जीरो स्टार्टिंग एड्रेस इज कितना है? 1400 एंड एंडिंग एड्रेस इज दिस। इस बात को दिमाग में फिट करिए। अब जरा देखिए, अगर कोई ये कहे कि मुझे सेगमेंट जीरो में, मुझे सेगमेंट जीरो में किस ऑफसेट पे जाना है, तो 1002 पे। देखिए, एक लॉजिकल एड्रेस मैं लिख रहा हूं। मैंने कहा सेगमेंट जीरो और ऑफसेट जो है ले लेते हैं हम लोग 1002। इस लॉजिकल एड्रेस को जरा ध्यान दें। तो ये जीरो किसको बता रहा है भाई? जीरो बता रहा है सेगमेंट जीरो को और कह रहा है कि भैया सेगमेंट जीरो में हमें किस एड्रेस पे जाना है? 1002 एड्रेस पे जाना है। मजे की बात देखिए, व्हाट इज द लिमिट ऑफ सेगमेंट जीरो? इट इज 1000। बेस एड्रेस जोड़िए, तो बेस एड्रेस है 1400। 1400 में 1002 जब जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? तो 1400 प्लस 1002 इक्वल्स टू 2402। अब जरा देखिए कि हमारा जो सेगमेंट जीरो है
ये कहां से शुरू हो रहा है, तो सेगमेंट जीरो जो है शुरू हो रहा है 1400 से और कहां खत्म हो रहा है 2400 पे। और आप कह रहे हैं कि हमको सेगमेंट जीरो में जाना है, किस एड्रेस पे जाना है 2402। यार 2402 तो सेगमेंट जीरो का कोई एड्रेस ही नहीं है, ये तो तुम किसी बाहर के मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। और इसी वजह से पीछे वाले स्लाइड में एक कंडीशन दिया गया, वो कंडीशन मैं आप लोगों को फिर से दिखा। देखिए मैं इसी कंडीशन की बात करूं, और अब मैं कहूं कि इसका काम क्या है, तो इसका काम है टू अवॉइड इलीगल मेमोरी एसेस, टू अवॉइड इलीगल मेमोरी एसेस। ठीक है, जैसा कि यहां पे बताया गया, सेगमेंट नंबर जीरो के लिए कहा गया कि 1002 एड्रेस मुझे एसेस करना है, किसमें, सेगमेंट जीरो। तो सेगमेंट जीरो में 1002 एड्रेस कैसे एसेस कर सकते हो भाई, सेगमेंट जीरो की तो लिमिट ही 1000 है। आप अपने अकाउंट से उतना ही पैसा निकाल सकते हो जितना आपके अकाउंट में बैलेंस है। तो जब सेगमेंट जीरो की साइज ही 1000 है तो आप सेगमेंट जीरो में 1002 एड्रेस पर कैसे जा सकते। ठीक है, ध्यान दीजिए, सेगमेंट 0, 1, 2, 3, 4 एंड इन सब सारे सेगमेंट की साइज क्या है, अलग अलग। अब ये कुछ केस स्टडीज है, लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेस ट्रांसलेशन इन पेंटियम प्रोसेसर में, सेगमेंटेशन यूनिट है, पेजिंग यूनिट है, मैपिंग हो रही है। देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, लॉजिकल एड्रेस को लीनियर एड्रेस में कन्वर्ट करेगा पेंटियम प्रोसेसर के केस में सेगमेंटेशन यूनिट, और इसी सेगमेंटेशन लीनियर एड्रेस को पेजिंग यूनिट जो है कन्वर्ट करेगी किसमें, फिजिकल एड्रेस में। यहां देखिए नीचे तो टू लेवल पेजिंग की बात हुई, टू लेवल पेजिंग की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए एक केस स्टडीज आ गई है पेंटियम का, पेंटियम में सेगमेंटेशन कैसे यूज होगा। तो जैसे हम लोग सेगमेंट टेबल में जा रहे थे, डिस्प्लेसमेंट ले रहे थे यानी वो पर्टिकुलर इंडेक्स, वहां से हम लोग ऑफसेट ले रहे थे, ऑफसेट और ये लॉजिकल एड्रेस से ऑफसेट, और सेगमेंट में क्या था, बेस एड्रेस, दोनों को जोड़ दे रहे थे तो उनको क्या मिल जा रहा था, लीनियर एड्रेस मिल जा रहा था। ठीक है, पेजिंग का कंसेप्ट, जैसे जैसे प्रोसेसर में नंबर ऑफ बिट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे पेजिंग में नंबर ऑफ लेवल्स भी बढ़ेंगे। लिनक्स में क्या है, ग्लोबल डायरेक्टरी, मिडिल डायरेक्टरी, पेस्ट। ठीक है, फोर पार्ट्स में बांटे गए हैं, ये आपसे सेम रहेगा। थ्री लेवल पेजिंग हो रही है, क्यों हो रही है थ्री लेवल, देखिए पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल।
ठीक है। तो ये सब केस स्टडीज हैं कि जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़े हैं वो कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक, ठीक है। अगले लेक्चर से हम लोग वर्चुअल मेमोरी एक्सप्लोर